काम तो उसका पूजा पाठ करने का था, परंतु उसमें इतना मन मोहित हो गया कि महाराज बस अब तो हमेशा उसको देख करके ही जीता कि जो कुछ है वो सब तू ही है मेरे लिए। इतना प्रेम करने लगा उसमें, उसके प्रेम में इतना डूब गया, परंतु उसका कर्म क्या था? पूजा पाठ करने का है। अब कहीं पूजा पाठ करने जाए महाराज तो कोई दक्षिणा दे, 11, 21, 51, अब उससे घर तो नहीं चलेगा, और वो तो महाराज घड़ी का है, अपने रूप से पता नहीं कितनों को लूटती है क्या। इसलिए संसार का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से रूप में अटका हुआ है, सौंदर्य में अटका हुआ है। कोई व्यापार के रूप में अटका हुआ है, कोई परिवार के रूप में अटका हुआ है, कोई समाज के रूप में अटका हुआ है, सबका मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अटका हुआ है। घर लौट करके आता तो वो घड़ी का क्या कहती, देख भाई कि तेरे इस काम से घर नहीं चलने वाला, इतने अर्थ से यहाँ गुजारा नहीं होने वाला, और मेरे साथ रहना है तो धन तो लाना पड़ेगा। और वो उसकी बातों में, उसके प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि अजामिल कहने लगा कि देख देवी, तू मुझे छोड़ने की बात मत कर, तुझे धन चाहिए ना मैं लेकर के आऊंगा कहीं से। अब उसने अपना कर्म बदल दिया देख, और धीरे धीरे चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, एक दो बार पकड़ा भी गया, परंतु ब्राह्मण का बच्चा है इसीलिए उन्हें छोड़ दिया है। ऊंचे कुल का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारा, परंतु उस गणिका के चक्कर से वो नहीं छूट पाया। कर्म करते 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 आयु धीरे धीरे सरकने लगी, शरीर की अवस्था एक जैसी नहीं रहने वाली, अकेला था पर साथ में रहने लगा गणिका के, परिवार बढ़ने लगा, अब तो और धन चाहिए, चोरी करते करते पैसा नहीं मिलता तो दिमाग टेंशन में डिस्टर्ब, तो कई लोग तो डिस्टर्ब होते हैं तो महाराज फिर मदिरा का सेवन करने लगते हैं, सोचते हैं टेंशन की दवा यही है, हैं? अरे टेंशन की दवा यही होती तो महाराज फिर तो दुनिया ही इसमें डूब जाती। मदिरा पान करने से अगर टेंशन समस्याएं दूर होती होती तो हमारा डॉक्टरों के पास कोई नहीं जाता था। डिप्रेशन में थोड़े क्या गए, और हमारा गलत शौकत, गलत संगत, गलत वस्तुओं का सेवन करने लगे हमारा। आज समाज में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, गलत वस्तुओं का सेवन करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि गलत वस्तुओं का सेवन करते करते घर कब बर्बाद होता है इसका पता नहीं चलता, ध्यान रखना। एक दो बार घर वालों ने डांटा फटकारा परंतु फिर भी बालक नहीं माना तो वो विनाश की तरफ बढ़ रहा है बस, परंतु कभी कभी जीव पर प्रभु की कृपा हो जाती है, भगवान कभी कभी जीव पर कृपा कर देते हैं। रात को चोरी करने निकले, सवेरे अंधेरे अंधेरे
घर वापस आ जाता आजामिल। एक दिन जिस नगर में अजामिल रहता था उस नगर में कहते हैं कि संतों की टोली आई है। ध्यान रखो, संत किसी नगर में आ जाएं तो नगर का बड़ा भाग्य है, और संत नगर में आकर के किसी के घर आ जाएं तो उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है, उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। पांच दिन का समय यहाँ निकाला और कब पांच दिन से छह दिन पूरे होने को आए पता ही नहीं चला। कल कल और कथा है, रात्रि में भी काफी लोग सत्संग का आनंद लेने, कल तो हदी हो गई, कल तो सौ सवा सौ लोग हो गए। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। पूछा महाराज आपको क्या करना है, तो कई लोग तो संतों की मस्करी करते हैं क्या, और कई लोग संतों का सम्मान करते हैं। अचानक चार पांच मस्करे उन संतों की टोली को मिल गई और वो साधु संतों को देख करके बहुत ही ईर्ष्या करते थे। मैंने कहा ये सुबह सवेरे पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। महाराज उन मस्करों ने पूछा महाराज क्या काम है, कि भैया देखो संध्या होने वाली है, हम सोच रहे हैं आज इसी नगर में ठहर जाए, परंतु हम भोजन केवल कोई हरि भगत होता है ना उसी के घर का लेते हैं, हर किसी के घर का नहीं लेते क्या। भगवान का नाम ले हरि होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। उन चारों मस्करों ने सोचा कि आज महात्मा अच्छा चक्कर में पड़े हैं, और उन चारों ने क्या किया कि महाराज आज संतों के साथ मजाक कर दिया, और मजाक में क्या किया कि उन्होंने अजामिल का घर बता दिया। चारों ही मस्करे कहने लगे महाराज इस गांव में तो एक ही हरिभगत है जिसका नाम अजामिल है। महाराज उन मस्करों ने तो आज कृपा करी है, उन्होंने सही जगह बताई है, और महाराज संतों ने सुना कि अजामिल का घर, सारे संतों ने एक मता किया और एक मता करके महाराज और सीधे अजामिल के घर चल दिए। अजामिल के घर पहुंचे सारे संत और वहां जाकर के अलग जगाई, जैसे ही आवाज लगाई और शाम का समय हो गया था महाराज, इसीलिए शाम के समय अजामिल अपने घर से निकल जाता है। लोग तो सुबह काम पर जाते हैं पर अजामिल रात को काम पे जाता था क्या। दिन में तो एक नंबर का काम होता है, रात में कभी एक नंबर का काम होता है क्या। बोलो राम है? दिन में एक नंबर का काम, देखो राम जी कब आए दिन में, भगवान श्री कृष्ण कब आए, कभी उनको पता था सब दो नंबर के काम वालों को निपटाना है क्या, इसीलिए भगवान भी रात में आए है? मर्यादा पुरुषोत्तम कब आई दिन में आए, छलिया कब आया रात में आया, कि जो लोग दुनिया को छलते हैं ना उसे छलने के लिए छलिया रात को आया है। कभी कभी चोर तो रात में निकलता ही है, पुलिस वाले भी पहरा लगा के रात में ही बैठ जाते हैं और तू आ अब हमारी गली। अजामिल निकल गया था घर से, इसीलिए संत जैसे अजामिल के घर पहुंचे महाराज
और आवाज लगाई, और जैसी आवाज लगाई तो उसकी पत्नी जो गणिका है उसने जब वो आवाज सुनी तो वो द्वार पर निकल के आई और हाथ जोड़ करके महाराज आजा रोने लगी। संतों ने कहा, देवी क्यों रोती हो? आज हम तेरे घर का अन्न जल ग्रहण करने के लिए आए। जैसे ही महात्माओं ने कहा, पता नहीं संत कब किस पर कृपा कर दें, जिस घर से साधु संतों का भोजन प्रसाद निकल जाए महाराज, अन्न निकल जाए महाराज। गणिका और तेज रोने लगी। तब संतों ने कहा, बेटा क्या हो गया, क्यों दुखी हो रही है? कि महाराज माफ कर देना मुझे। क्यों, क्या भोजन नहीं कराएगी? हैं कि महाराज भोजन तो करा देती, परंतु मैं आपको भोजन कराने लायक नहीं। आज संतों के सामने अपनी हकीकत खोल करके रख दी पूरी। कहते हैं दुनिया में कहीं भी झूठ बोलो, पर संतों के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। संत बड़े परमारथी ऐसी देह बनाए, दरिया मुलक छुड़ाए के अर्ध मुलक ले जाए। तो संतों ने कहा क्या हो गया, क्योंकि गणिका की जो माँ थी ना, वो गणिका को ये समझा करके गई थी कि बेटा कभी साधु संतों का अपमान मत करना, अपने से कुछ नहीं बने तो दूर से प्रणाम कर लेना। इतना ज्ञान उसे था, इसीलिए संतों की आवाज सुन करके बहुत से तो बाहर ही निकल के नहीं आते। क्या हाँ आए होंगे महाराज, अपने क्या करना है, अपने चलने दो, अपने जो चल रहा है। वो जीव अभागी रह जाता है जो संतों की आवाज सुन करके उनके दर्शन नहीं कर पाता। तो संतों ने कहा, बेटा क्यों रोती है, क्यों दुखी होती है? संत सब चीज का समाधान करते हैं। संतों ने कहा, तू अपने घर का भोजन नहीं करा सकती, कोई बात नहीं, एक काम कर, तू हमें बाजार से सूखा सामान ला करके दे दे, हम बना लेंगे और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। गणिका खुश हो गई, और गणिका खुश होकर के किसी किराने की दुकान पर जाकर के वहां से सारा सामान दिलाया। संतों ने, साधु संतों ने भगवान का भोग लगाया आज, और उसी के आंगन में आज बैठ करके भोजन करके और रात्रि विश्राम करते हैं। देखो क्योंकि अजामिल की पत्नी ने भोजन तो करा दिया, पर भोजन कराने के बाद अगर दक्षिणा नहीं दी तो महाराज भोजन का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अब गणिका को तो पता नहीं था, हाँ पर अजामिल ब्राह्मण था ना, इसीलिए अजामिल को पता है, क्योंकि वो जाया करता था। रात्रि वहीं साधु संतों ने विश्राम किया, सोचा कि लाओ सवेरे इसका पति आएगा जब हम इससे मिलकर के जाएंगे। और सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में महाराज आज अजामिल जब वापस घर आया, और घर आकर के क्या देखता है कि उसके आंगन में अनेक साधु संत सो रहे हैं। पर देखो आज गलत कर्म करने से उसकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि वो साधु संतों को देखना नहीं चाहता है। उसने आते के शोर मचाना चालू किया, हे बाबा हे संत, उठो यहां से जाओ, कहां से आयो? संत सारे जाग गए। एक संत ने कहा, आप कौन हैं? कि मैं अजामिल हूं। ओहो, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, हम तो कब के चले जाते, पर इंतजार आपका था, है? आपका इंतजार हो रहा था, है? कि क्यों? कि देख भैया, कि तेरी पत्नी ने हमें भोजन तो करा दिया,
और अभी दक्षिणा नहीं दी है, लाओ दो, हम तो मांग लेते हैं भैया, क्योंकि परमारथ के कारण मोई मांगत ना आवे लाए, इसीलिए संतों ने कहा लाओ दो दक्षिणा दो जाए हम। अजामिल हंसने लगा, महाराज क्या सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला है क्या है? मैं कौन हूँ पता है? मेरे चक्कर में जो फंसता है ना उसको मैं पूरी तरह से खाली कर देता हूँ, ध्यान रखना। अजामिल ने कहा कोई भेंट पूजा दक्षिणा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। संतों ने कहा नहीं, लेकर के तो जाएंगे। तो अजामिल ने कहा ये सोचो कि तुम्हारे जो सामान तम्बू तमीरे जी है ना जी, मैंने नहीं छीने तुमसे, ये तो मैं जिसको जो देखता हूँ छीन लेता हूँ, यही मेरी तरह से भेंट समझना। तो संतों ने कहा देख भैया कि लेकर के तो जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, या तो ले ले या दे दे। अजामिल ने सुना देने की बात चली जब, तो अजामिल ने कहा लाओ दो मारा, देने लेने की बात आवे ना तो सब हाथ कर बता दो, और देने की बात आवे तो महाराज पीछे के पीछे ही सब रवाना हो जावे, क्या कहीं देना नहीं पड़ जाए। पर महाराज सत्संग में, कोई धार्मिक अनुष्ठान में, कोई यज्ञ में हमारा थोड़ा सा भी अर्थ अगर लग जाता है ना महाराज, तो वो जीवन भर का पुण्य हमारे खाते में जमा हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा देख भाई तू एक वचन हमें दे दे, वही हम हमारी दक्षिणा मान लेंगे। अजामिल ने कहा क्या वचन देना है बताओ? क्या देख तेरी पत्नी गर्भवती है, तेरे बालक बच्चा होने वाला है कुछ, तू हमें इतना वचन दे दे कि तेरे जो भी संतान हो उसका नाम तू नारायण रखेगा। उसने कहा लड़की हो गई तो कि नारायण नहीं रख लियो, लड़का हो तो नारायण, लड़की हो तो नारायणी। महाराज अजामिल ने विचार किया, चलो जैसे तैसे पीछा तो छूटा, ठीक है महाराज वचन दिया। संतों ने आज वचन ही दक्षिणा के रूप में ले लिया और वहां से चले गए। महाराज समय पूरा हुआ और अजामिल के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक इतना सुंदर था, अजामिल को बात याद आई और अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रख दिया। क्या धीरे धीरे करके शरीर की अवस्था बदलने लगी, शरीर का बल खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गया, और आज अजामिल ने बिस्तर पकड़ लिया। देखो बिस्तर पे पड़ा पड़ा अब अपने कर्मों को याद कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, और देखो धीरे धीरे करके अंत समय आ गया उसका। और जब अंत समय आता है ना तो जीव चिल्लाता है बचाओ बचाओ, क्योंकि महाराज आज वो समय आ गया कि यमपुरी से यमराज के दूत रवाना हो गए। और जब व्यक्ति जाने वाला होता है ना तो उसका उसको दूत दिखाई देते हैं, और उन दूतों को देख करके वो डर जाता है। अजामिल भी डर गया, पत्नी को बुलाया पर पत्नी नहीं आई। देखो आज अजामिल ने क्या किया, गलती से अपने बेटे को बुलाया, नारायण बेटा नारायण नारायण। और देखो भगवान का नाम सुनने ही आज बार बार नारायण 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 करते करते, और इतनी जोर की वो चिल्लाने लगा नारायण नारायण नारायण। कहते हैं उसके बालक जो खेल रहा था नारायण, उसने नहीं सुना, पर आज वैकुंठ में बैठे हुए नारायण पति ने सुन लिया। और तत्काल दूतों को भेजा, जाओ कोई भगत मुझे याद कर रहा है।
भगवान के पार्षद पहुंचे और यमराज के दूतों को भगाया। यमराज के दूत कहने लगे, महाराज आप कैसे आए यहाँ? कि हम इसे लेने आए हैं। कि महाराज ये तो पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, हमें नहीं पता, हमें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम इसे लेने आए हैं। तब दूतों ने कहा, महाराज कि आपको पता कैसे चला कि ये आपको बुला रहा है? कि नारायण नारायण कर रहा था। यमराज के दूत हंसे, महाराज ये नारायण नारायण आपके स्वामी को नहीं बुला रहा है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था। तब भगवान के पार्षद कहने लगे कि भैया किसके बेटे का नाम तो नारायण आज पड़ा है, हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादि काल से है। बोले नारायण भगवान की। इसीलिए आज हम इसे लेने आए हैं। अंत समय जमदूत ने घेरियो, जब अंत समय यमदूत घेर ले महाराज, तब दुनिया के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, ध्यान रखना। राम नारायण सुत के हित टेरियो, बेटे को बुला रहा था पर नारायण के पार्षद आ गए। जमदूतन सुन लियो छुड़ाई, अपनो जान करी सहाय। आज भगवान का जाने अनजाने में अजामिल ने नाम लिया और देखो आज यमपुरी जाने से बच गया। इसीलिए इस कथा का सार यही है कि एक तो हमारे जीवन में साधु संतों का दर्शन होता रहे और दूसरी बात अंत समय हमें परमात्मा की याद बनी रहे, तो समझना हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो महाराज हम भटक जाएंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की। समय ने जवाब दिया, आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा को यहीं रोकते हैं। बड़े भाव से बड़े प्रेम से हम भगवान के नाम का, जिस प्रकार अजामिल ने नारायण को बुलाया तो भगवान के पार्षद चले आए, इसी प्रकार भगवान के नाम को याद करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अजामिल के कर्म बहुत कठिन थे, परंतु संत मिले, गुरु मिले तो महाराज अजामिल का केस हारा नहीं है, जीत गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु ने वकील मुकदमा भारी है, भारी है भारी भारी है भारी, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु ने वकील मुकदमा। उस दिन की तुम करो कमाई, उस दिन की तुम करो कमाई, जब पकड़ेंगे 4 सिपाही, जब पकड़ेंगे 4 सिपाही, उस दिन की तुम करो कमाई, उस दिन की तुम करो कमाई, जब पकड़ेंगे 4 सिपाही, जब पकड़ेंगे 4 सिपाही, तेरी कोई न देगा गवाई, तेरी ना देख कमाए, कने दिखना तैसी, तूने दिखना तैसी, तूने कर लो
गुरु ने वकील मुकदमा मारे, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा मारी है। यमपुर का जब निकट कटेगा, यमपुर का जब सारा कुटुंब दूर हटेगा, सारा कुटुंब दूर हटे, यमपुर का जब निकट कटेगा, यमपुर का जब सारा कुटुंब दूर हटेगा, सारा कुटुंब दूर हटे, तेरे पास न कोई जुटेगा, तेरे पास न कोई जुटे, तेरी कौन करे तामिल, तेरी कौन करे तामिल, कर ले गुरु ने वकील मुकदमा भारी, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा भारी है, भारी है, भारी है, हाँ भारी, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा है। मन राम सुमिरन नादान, मन नाम सुमिरन नादान, तेरी दो पल की जिंदगान, तेरी दो पल की जिंदगान, तू क्यों करता मन मानी रे, तू क्यों करता मन मानी रे, तेरी चले न दलील राम, तेरी चले नहीं दलील, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा भारी है। झूठे की बात न चलेगी, साचा की बात हले, झूठे की बात न चाल, झूठे की बात न चाल, साचा की बात न हाल, साचा की बात न हाल, वहाँ एक ही एक निहार, वहाँ एक ही एक निहार, पांच पटेला को भी, पांच पटेला को भी, कर लो गुरु ने वकील मुकदमा भारी, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा है, भारी है, भारी है, भारी है, हाँ भारी, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा। नर जो तू पाप करेगा, नर जो तू पाप करेगा, अपने आप भरेगा राम, अपने आप भरेगा राम, बिन भजन के डूब मरेगा, बिन भजन के डूब मरेगा, चाहे कर ले जतन हजार, चाहे कर ले जतन हजार, तुम कर लो गुरु ने वकील मुकदमा, तुम कर लो गुरु ने वकील।